नमस्कार, यह है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो जैसी थी उम्मीद बिल्कुल वैसा ही हुआ। पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को सीधे लगातार दो सेट्स में हरा के जीत लिया है गोल्ड मेडल। तो कॉमनवेल्थ में पहली खबर आज की जो बड़ी आ रही है वो है पीवी सिंधु ने जीत लिया है मिशेल ली के खिलाफ अपना मुकाबला और दिन का आगाज कर दिया है गोल्ड मेडल। पीवी सिंधु के पास इंडिविजुअल्स जो प्लेऑफ होता है उसमें किसी भी तरह से सीडब्ल्यूजी में गोल्ड मेडल नहीं था इंडिविजुअल सिंगल्स में, लेकिन अब उनके पास वो है। अब इसके बाद मुझे लगता है ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल आना जरूरी है। 2010 में आपको याद होगा साइना नेहवाल ने यह कारनामा किया था। पीवी सिंधु ने 2018 के जो कॉमनवेल्थ है गोल्ड कोस्ट के वहां पर जीता था मिक्स टीम जो इवेंट था उसका गोल्ड मेडल। उस टीम में साइना नेहवाल भी शामिल थी और मिशेल ली की जहाँ तक बात करें बहुत ही चुस्त, बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। 2014 की कनाडा की ओर से सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं वो। उनको बुरी तरह से परास्त किया है। पाँव में स्ट्रैप करके खेल रही थी, दर्द में खेल रही थी सिंधु। लंबी रैलीज खेलनी पड़ी उनको 30-30 40-40 शटल्स की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने निराश नहीं किया और भारत को दिला दिया है एक और गोल्ड मेडल। तो भारत मेडल टैली में अब न्यूजीलैंड के बराबर हो गया है और हो गए हैं दोनों 19-19 मेडल। आज उम्मीद ये की जा रही है कि 4 ऑल मेडल भारत को मिल सकते हैं। तो यह है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती, आगे भी कार्यक्रम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।